जैसे जैसे राजस्थान के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ही सियासत और भी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच की सियासी जंग अब और भी गहरी हो चुकी है। यहां पर काम नहीं आई है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रणनीति और न ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के फैसले। दरअसल सचिन पायलट ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है और सचिन पायलट लगातार गहलोत सरकार पर हमलावर है। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के विवाद के बीच यहां पर कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिनको लेकर कुछ अहम दावे किए जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी इस वक्त सुर्खियों में है। दावे ये किए जा रहे हैं कि राजस्थान की कमान एक बार फिर से अशोक गहलोत को ही सौंपी जाएगी और उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं गोविंद सिंह डोटासरा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष पद सचिन पायलट को दिया जाएगा और सचिन पायलट इसके लिए राजी हो गए हैं। यहां तक कि पार्टी हाईकमान से उन्होंने इस पद को लेकर मांग भी की है। लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिरकार गोविंद सिंह डोटासरा का क्या होगा। 2018 में जब राजस्थान में सचिन पायलट की अगुवाई में चुनाव लड़े गए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बना दिया गया, उस वक्त डोटासरा को कैबिनेट में शामिल किया गया। 2008 से ही सीकर के लक्ष्मणगढ़ से ये विधायक हैं और 2020 में जब पायलट गुट के नेता मानेसर में जाकर बैठ गए थे हरियाणा के मानेसर होटल में और उस वक्त उन्हें हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका सौंपी थी। उस वक्त सचिन पायलट ने उप मुख्यमंत्री पद और प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। डोटासरा संगठन को एकजुट करने में अब तक विफल रही है और उनसे पूछे बिना सचिन पायलट गुट के नेता और विधायक कार्यक्रम तय कर देते हैं। ऐसे में देखा जाए तो उनका एक वीडियो भी तेजी से वायरल हुआ जिसमें कांग्रेस विधायक राजेंद्र पारिक से उनका विवाद हो गया था। अब यहां पर विधायकों का यही आरोप है कि डोटासरा मुख्यमंत्री के कहने पर ही काम करते हैं जिससे प्रदेश संगठन में भारी गुटबाजी है। इतना ही नहीं, अध्यक्ष बनने के बाद से डोटासरा काफी विवादों में है तो अब यहां पर RAS परीक्षा में उन पर परिवार के लोगों को सेटल कराने का आरोप भी लगा था। इतना ही नहीं, कांग्रेस में जिस फॉर्मूले की चर्चा हो रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि सचिन पायलट या उनके करीबी को अध्यक्ष की कुर्सी मिल सकती है। अगर गहलोत को वीटो भी लग गया तो डोटासरा की कुर्सी बचना लगभग नामुमकिन मानी जा रही है। तो ऐसे में यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि गहलोत के वीटो लगने के बाद हाईकमान किसी नए चेहरे को अध्यक्ष बना सकती है। देखना यहां पर यही होगा क्या वाकई में गोविंद सिंह डोटासरा को उप मुख्यमंत्री पद सौंपा जाएगा, क्योंकि गहलोत का साफ तौर पर कहना है कि किसी जाट चेहरे को आगे करना चाहिए जिससे कि जाट समुदाय को यहां पर साधा जा सके। अब देखते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर उप मुख्यमंत्री पद सौंपा जाएगा या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।